असलम आलैक्म दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग खैरियत से होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि जद्दा के समुंदर पर एक औरत गाड़ी चला रही थी और वो अपने गाड़ी का कंट्रोल जो है वो खो देती है पैदल चलने वाले एक बंदे को कुचल देती है और बाद में जब वो ब्रेक मारने के लिए जाती है तो उसका पैर जो है वो एक्सीटर पर पड़ जाता है और गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा हो जाती है समुंदर के साइड में जो बैरियर लगे होते हैं उसको तोड़कर गाड़ी जो है वो समुंदर के अंदर जाकर गिर जाती है जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज के जरिए से जो है वो देख सकते हैं बताया गया है कि जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाती हैं और इस औरत को गाड़ी से निकालने और इसको बचाने में कामयाब रहती हैं इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर पिछले एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों से 16,340 इल्लीगल इलीगल गैर मुल्कीयों को गिरफ्तार किया गया है जैसा कि आपको देखिए कि इन दिनों सऊदी अरब के अंदर लगातार गिरफ्तारी चल रही है जो इलीगल तरीके से बंदे काम करते हैं या फिर इलीगल तरीके से रहते हैं उन लोगों की लगातार गिरफ्तारी चल रही है बताया यह गया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से नौ ऐसे हैं जो एकामा कानून के ख़िलाफ़ फर्जी कर रहे थे जबकि चार ऐसे हैं जो सरहद के खिलाफ फर्जी कर रहे थे और दो ऐसे हैं जो लेबर लॉ के खिलाफ़ फर्जी कर रहे थे पिछले एक हफ़्ते के दौरान सऊदी अरबिया से दस लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया यानी उनको सऊदी अरबिया से जो है वो निकाल दिया गया है पिछले एक हफ़्ते के दौरान याद रहे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनको कुछ वक्त तक जेलों में रखा जाता है उसके बाद उनको उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है यानी भेज दिया जाता है इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो लोग सऊदी अरबिया विजिट वीजे पर आएंगे उनको भी अब रेंट ए कार जो है वो मिल सकती है यानी भाड़े पर जो गाड़ी है वो ले सकते हैं जी तो एक अच्छी खबर है कि जो लोग अब सऊदी अरबिया विजिट वीजे पर आएंगे वो भी सऊदी अरबिया के अंदर भाड़े पर गाड़ी लेकर गाड़ी जो है वो पूरे सऊदी अरब के अंदर चला सकते हैं इसके साथ अगली अपडेट ये है कि अगर आप आईमो का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है जी तो आईमो के ऊपर इस तरीके के नंबर से जो है वो कॉल आता है और साथ में ये कहा जाता है कि आपके पास एक ओ आया है आप उसको जो है वो हमें बता दें तो बताया ये जा रहा है कि इस तरीके से लोगों का जो आईमो है वो हैक किया जा रहा है तो अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी कॉल वगैरह आती है जिसमें आपसे ओ मांगी जाती है यानी आपके आपके नंबर पर जो एसएमएस एस आता है जो पासवर्ड आता है वो मांगा जाता है तो आप किसी को भी बिल्कुल भी ना दें पहले तो आप कॉल को ही कोशिश करें कि उठाए ही ना अगर आप चांस काल उठा भी लेते हैं तो जो आपके पास ओ आता है उसको आप किसी भी सूरत में सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी ना देने तो वो आपका जो आईमो है उसको वो हैक कर लेगा फिर आपकी जो भी पर्सनल जानकारी है उस तक भी वो पहुंच सकता है तो इसलिए तमाम लोग जो लोग आईमो चलाते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है इसके साथ एक अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और इस सऊदी ट्रैफिक पुलिस वाले की लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप या इमेज के ज़रिए से देख सकते हैं कि एक औरत जो कि सड़क के ऊपर खड़ी हुई है और वो सड़क पार करना चाहती है लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बावजूद भी वो जब सड़क को पार नहीं कर पा रही है तो एक पुलिस वाला जो कि ट्रैफिक पुलिस वाला है गाड़ी खड़ी हुई है उसमें से वो बंदा जो है उतर कर आता है और इस औरत को सड़क पार करने में मदद करता है और ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो आप भी इस बंदे के लिए एक लाइक जो है वो जरूर कर दें दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जरूरी जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें आजकल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ और बनाकर और आपको इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचा सकेंगे तो प्लीज भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें जो नए दोस्त हैं और जो लोग जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया चलिए चले भी मतलब मिलते हैं टॉपिक के साथ तरह के अपना ख्याल रखे खुदा